यूपी के कन्नौज में ईद के मौके पर बड़े इमामबाड़े के साथ कई नमाज स्थलों पर नमाज के वक्त सन्नाटा पसरा रहा। परंपरा निभाने के लिए बड़े इमामबाड़े में इक्का दुक्का नमाजियों ने मास्क पहनकर नमाज अता की और इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। कोरोना संकट काल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब ईद के त्योहार पर लोगों ने अपने घरों में नमाज अता की। डीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई थी और लोगों ने भी जिला प्रशासन का सहयोग दिया और सादगी से अपने घरों में नमाज अता की। सभी जनपदवासियों से अनुरोध है कि ईद का सुंदर त्योहार अपने घरों में अमन चैन से मनाएं, लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें और पूरी खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाएं। वहीं जिले में कहीं भी सामूहिक रूप से नमाज न अता हो, इसके लिए जिले के बड़े अधिकारी नमाज स्थलों पर कड़ी निगरानी करते हुए नजर आए। भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस बार की ईद कुछ बदला सा है। कोरोना की वजह से सभी अपने घर में संयमित तरीके से अंदर हैं और प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, समाज का सहयोग कर रहे हैं, सबका मैं इसके लिए धन्यवाद भी अदा करता हूँ। ईद के मौके पर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि लॉकडाउन में एक जगह पर लोग एकजुट न हो सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए कन्नौज से नित्य मिश्रा की रिपोर्ट।